हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। आज हम क्लास 9 का नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, चैप्टर नंबर 5। इसका नाम है आपका इंट्रोडक्शन टू यूक्लिड्स ज्योमेट्री। हमें यूक्लिड्स ज्योमेट्री का इंट्रोडक्शन दिया हुआ है, तो आज हम इस वीडियो में इसका इंट्रोडक्शन ही लेंगे। यूक्लिड्स ज्योमेट्री का क्या मतलब है? यूक्लिड्स जो थे वो एक मैथमेटिशियन थे, और ये ग्रीक मैथमेटिशियन थे, ग्रीक के एक मैथमेटिशियन थे। इन्होंने ये जो है ज्योमेट्री जो है इनकी उस पर बेस्ड है ये। तो इसमें जो है हम पढ़ेंगे सबसे, इसमें दो चीज़ें हैं, एक तो होता है एक्जियम्स, एक होता है पोस्टुलेट्स। अब तक हमने ज्योमेट्री में क्या पढ़ा था, 8th क्लास में आपने पढ़ा था पॉइंट पढ़ा था, इसके बाद आपने लाइंस पढ़ी थी, लाइन सेगमेंट पढ़े थे, रेज पढ़ी थी। अब हम क्या पढ़ेंगे यहाँ पे, एक्जियम्स एंड पोस्टुलेट पढ़ेंगे जो ग्रीक ने मैथमेटिशियन ने दी थी। एक्जियम्स का मतलब होता है सिद्धांत। जो एक्जियम्स होते हैं वो कहाँ एप्लीकेबल होते हैं, एक्जियम्स का जो पार्ट है, एक्जियम्स जो हैं एप्लीकेबल एवरी पार्ट्स ऑफ मैथमेटिक्स, मैथमेटिक्स के सारे पार्ट्स पे, चाहे वो आपका एलजेब्रा हो, मतलब जितने भी पार्ट्स हैं मैथ्स के, उन सब के ऊपर क्या है, एप्लीकेबल होगा ये आपका एक्जियम्स। और जो पोस्टुलेट होता है, पोस्टुलेट्स का मतलब है सिद्ध प्रमाण या अभिधारणा भी कह सकते हैं हम उसको, ये एप्लीकेबल है ओनली ऑन ज्योमेट्री। जो पोस्टुलेट हैं वो केवल एप्लीकेबल कहाँ होंगे, ज्योमेट्री पे, और जो आपके एक्जियम्स हैं वो मैथमेटिक्स की जितनी भी ब्रांचेज हैं, जितने भी पार्ट्स हैं, चाहे वो ज्योमेट्री हो, चाहे अलजेब्रा हो, चाहे गणित हो, चाहे कुछ भी हो, वो सब पे जो है ना एप्लीकेबल होगा एक्जियम्स, और पोस्टुलेट केवल ज्योमेट्री पे एप्लीकेबल होते हैं। तो एक्जियम्स कितने हैं, टोटल एक्जियम्स जो हैं आपके इसमें 7 एक्जियम्स हैं ग्रीक के, और जो पोस्टुलेट हैं वो कितने हैं, 5 हैं। तो हम यहाँ बारी बारी से आप देखोगे कि आपने कहीं ना कहीं ये चीज़ें अप्लाई की हुई हैं। अब इनको हमें थ्योरेटिकली पढ़ना है, समझना है, आपको सब आती हैं, वो सब आपने पढ़ी हुई हैं सभी, मतलब कहीं ना कहीं आपने अप्लाई की होंगी ज़रूर। तो हम पहले पढ़ते हैं एक्जियम्स जो कि 7 है। सबसे पहला जो एक्जियम्स है उसमें क्या कह रहा है, थिंग्स विच आर इक्वल टू द सेम थिंग आर इक्वल टू अनदर। ये कह रहा है कि कोई भी चीज़ है वो इक्वल है, ठीक है, सेम चीज़ के, तो वो किसी अनदर के भी क्या होगी, इक्वल होगी। जैसे क्या मतलब इसका, हम प्रैक्टिकली समझते हैं। मान लीजिए ए आपका इक्वल है किसके, बी के इक्वल है, और ए किसके इक्वल है, सी के इक्वल है। इसका मतलब क्या है बच्चे, कि ए और बी इक्वल हैं, ए और सी इक्वल हैं। इसका मतलब है कि बी और सी भी दोनों आपस में क्या हैं, इक्वल हैं। इट मीन्स बी इज इक्वल टू सी। ये कहाँ से आया है, बी इज इक्वल टू सी, ये जो एक्जियम्स है नंबर 1 वाला, ये कह रहा है कि कोई भी चीज़ जो है विच आर इक्वल टू सेम थिंग्स, सेम चीज़ के इक्वल है। जैसे बी आपका ए के इक्वल है और सी भी आपका ए के इक्वल है, तो बी और सी भी दोनों आपस में क्या होंगे बच्चे, इक्वल होंगे। इसके बाद नेक्स्ट कह रहा है इफ इक्वल आर एडिड टू, या कोई, जैसे हमने ये तो ए भी लिया, नंबर भी ले सकते हैं आप, जैसे कोई नंबर किसी, वो तो सेम नंबर ही हो जाएगा, फिर मैंने आपको एग्जांपल अच्छा दिया ये। इफ इक्वल्स आर एडिड टू इक्वल्स, इक्वल नंबर को हमने ऐड किया है दो इक्वल नंबर में, या इक्वल कुछ भी कह सकते हैं क्योंकि ये एप्लीकेबल है सारी ब्रांचेज पे, सारे पार्ट्स पे। इफ इक्वल आर एडिड टू इक्वल्स द होल आर इक्वल, पूरा क्या होगा, इक्वल होगा। जैसे मैं कह दूं कि ए और बी जो है आपस में क्या है, इक्वल है, और इन दोनों में हम सी को ऐड कर दें, यानी इधर भी मैंने सी ऐड कर दिया और इधर भी मैंने सी ऐड कर दिया, तो ए प्लस सी दोनों क्या होंगे, इक्वल होंगे। अगर आपका ए और बी दोनों इक्वल हैं, तो दोनों में सेम चीज़ ऐड किया हमने, सी ऐड किया दोनों तरफ, तो जो आएगा ए प्लस सी और बी प्लस सी, वो भी आपस में क्या होगा, इक्वल होगा। जैसे मान लीजिए मैं कोई नंबर ले लूँ, 3 और 3 दोनों आपस में इक्वल हैं, मैं बोथ साइड 2 ऐड कर दूँ, इधर भी 2 ऐड कर दिया तो कितना हो गया, 5, और उधर भी 2 ऐड कर दिया तो कितना हो गया, 5, तो ये भी आपस में क्या है, इक्वल होंगे। तो ये एक्जियम नंबर 2 था। उसके बाद थर्ड में कह रहा है, इफ इक्वल आर सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम इक्वल्स द रिमाइंडर आर इक्वल।
वही चीज़ है सेम, ऊपर वाले में एडिशन था, ऊपर वाले में ऐड किया था, यहाँ पर क्या करना है सबट्रैक्ट करना है। इसका मतलब क्या है कि जैसे ए और बी आपस में इक्वल हैं, ए इज इक्वल टू बी, और दोनों में से सी को माइनस कर दिया तो इसका मतलब क्या होगा, सेम चीज़ दोनों में माइनस की है तो ए माइनस सी इज इक्वल टू किसके होगा बच्चे, बी माइनस सी के। उसके बाद आता है थिंग विच को इंसाइड विद अनदर, विद वन अनदर आर इक्वल टू वन अनदर। क्या मतलब है बच्चे कि दो चीज़ें हैं कोइंसाइड हैं, दोनों क्या हैं, थिंग्स विच आर कोइंसाइड विद वन अनदर आर इक्वल टू वन अनदर, दोनों क्या होंगी आपस में इक्वल होंगी। कोइंसाइड का मतलब क्या होता है, कोइंसाइड को हिंदी में बात करूँ तो संपाति होता है। जैसे एक ये ट्राइंगल बना दी, सेम एक और ट्राइंगल है, यानी इतनी ही तीनों साइड्स उसकी भी क्या है आपस में इक्वल है, तो ये दोनों आपस में क्या है, दोनों क्या होगी कोइंसाइड होगी, यानी मैं इसको इसके ऊपर रख दूंगा तो बिल्कुल डिट्टो है, ये फोटोकॉपी है एक दूसरे की, तो इसका मतलब ये दोनों क्या है आपस में इक्वल है। या जैसे मैंने दो सर्कल ले लिए, एक ये सर्कल एक ये सर्कल, दोनों कोइंसाइड हैं, मतलब कोइंसाइड कब होंगे जब उनकी रेडियस क्या होगी इक्वल होगी, तो इसका मतलब ये क्या है दोनों सर्कल इक्वल है, इनको ये कह सकते हैं कि दोनों सर्कल क्या हैं इक्वल है, जब चीज़ें थिंग्स विच कोइंसाइड विद वन अनदर आर इक्वल टू वन अनदर। जो फिफ्थ एग्जियम से उसमें कह रहा है द वॉल इज ग्रेटर देन द पार्ट, आपको भी पता है वॉल मतलब हो गया पूरा, वो क्या होता है बड़ा होता है पार्ट से। जैसे मान लीजिए मैं कह दूँ कि ये एक आपका क्या है रेक्टेंगल है, ठीक है, और ये इसका मैंने एक पार्ट कर दिया, ये पार्ट कर दिया, ठीक है, इस तरीके से समझते हैं, ये एक रेक्टेंगल है, इसी का एक पार्ट है ये, ठीक है, तो ये रेक्टेंगल जो है इस पार्ट से क्या है ऑलवेज बड़ा होता है हमेशा। जैसे मान लीजिए ये क्या था, ये 10 है, इसका हमने ये क्या कर दिया 1 ले लिया, यानी 1 अपॉन 10 कह दिया इसको, ये 10 था, ये इसका एक पार्ट ले लिया हमने, मान लो इस तरीके से था 10 पार्ट थे इसके फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, तो हमने एक पार्ट को अलग ले लिया, तो ये कितना हो गया 1/10 हो गया उसका, ये वाला जो है इसका कितना हो गया 1/10 हो गया, तो इसका मतलब 1/10 से बड़ा है ना ये तो 1 पार्ट है, एक कंप्लीट पार्ट हो गया वो 1/10 हो गया, तो इट मींस क्या हो गया द वॉल इज ग्रेटर देन द पार्ट, जो पूरा होता है वो पार्ट से क्या होता है हमेशा बड़ा होता है। नेक्स्ट जो कह रहा है, नेक्स्ट में क्या कह रहा है, जो आपकी नेक्स्ट पोस्टुलेट है सॉरी एक्जियम्स है 6 नंबर, उसमें कह रहा है थिंग्स विच आर डबल ऑफ द सेम थिंग्स आर इक्वल टू वन अनदर, कह रहे थिंग्स विच आर डबल ऑफ द सेम थिंग्स, एक सेम चीज़ की डबल हैं तो वो दोनों आपस में क्या होंगी इक्वल होंगी। जैसे मान लीजिए बी का डबल क्या है ए, यानी 2a इज इक्वल टू क्या है b है, और 2a ही क्या है इक्वल टू c है, तो इसका मतलब क्या हो गया बच्चे b और c भी दोनों क्या होंगे आपस में इक्वल होंगे, b और c यहाँ पर दोनों आपस में क्या हो जाएंगे इक्वल हो जाएंगे। तो ये आप कह सकते हैं कि थिंग्स विच आर डबल ऑफ द सेम थिंग्स, जैसे कि ये बी का या फिर ऐसे उल्टा भी ले सकते हो ए इज इक्वल टू टू बी और ए इज इक्वल टू यहाँ पे टू सी ले लो, मतलब सेम चीज़ जो है ना सेम चीज़ का डबल है तो वो आपस में क्या होंगे इक्वल होंगे। नेक्स्ट कह रहा है थिंग्स विच आर हाफ्स ऑफ द सेम, वो उल्टा कह दिया, ऊपर वाले में डबल था यहाँ पे हाफ कह दिया, अगर हाफ कोई सेम चीज़ हाफ है एक दूसरे का ही, मतलब सेम का ही, तो कह रहा है कि वो आपस में क्या होंगे इक्वल होंगे। जैसे मैं कह दूं हाफ ऑफ क्या, हाफ ऑफ मैंने कुछ भी कह दिया, हाफ ऑफ आर कह दिया इज इक्वल टू ए, एंड एक ले लिया मैंने हाफ ऑफ आर इज इक्वल टू बी, इसका मतलब क्या होगा ए और बी दोनों क्या होंगे आपस में इक्वल हो जाएंगे। ये आपकी एग्जियम्स नंबर 7 थी, तो आई थिंक ये आपको समझ आ गई होंगी, सिंपल चीज़ें ये सारी चीज़ें आपको आती हैं, ये सब चीज़ें आती हैं, आपने कहीं ना कहीं पढ़ी हुई हैं चीज़ें, बस आपको ये थ्योरेटिकली पढ़नी थी समझनी थी कि ये कहाँ से आई हैं ये, तो ये एग्जियम्स थे किसके, यूकिल्स ज्योमेट्री के। इसके बाद हम पढ़ेंगे नेक्स्ट इसकी पोस्टुलेट, अब हम देखेंगे जो इसकी पोस्टुलेट हैं 5 वो पढ़ेंगे। पोस्टुलेट नंबर 1 में क्या लिखा है, ए स्ट्रेट लाइन में बी ड्रान फ्रॉम एनी वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट,
कोई भी स्ट्रेट लाइन होती है वो एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे ड्रा की जा सकती है। कहने का मतलब क्या है, आप ऐसे भी कह सकते हो कि कोई भी दो पॉइंट को एक लाइन से हम ज्वाइन कर सकते हैं। इसका मतलब ये है, जैसे एक पॉइंट यहाँ पे है, एक पॉइंट यहाँ पे है, ये हमने ज्वाइन कर दिया तो ये एक लाइन हो गई। इसका मतलब यही हुआ ना कि एक स्ट्रेट लाइन मे बी ड्रान फ्रॉम एनी वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट। ये पॉइंट था और एक ये पॉइंट था, इन दोनों से इन दोनों को ज्वाइन कर दिया तो एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे लाइन हमने ड्रा कर दी। उसके बाद है, अ टर्मिनेटेड लाइन कैन बी प्रोड्यूस्ड इनडेफिनेटली। कोई भी लाइन जो होती है, लाइन की डेफिनेशन ये होती है कि उसको हम बहुत साइड जो है इनडेफिनेट असीमित तक मतलब उसको हम बढ़ा सकते हैं दोनों तरफ। तो यही कह रहा है कि एक टर्मिनेटेड लाइन है कैन बी प्रोड्यूस्ड इनडेफिनेटली। मान लीजिए ये एक लाइन है, ठीक है, ये एक लाइन है तो इसको मैं इस तरफ भी बढ़ा सकता हूँ और इस तरफ भी बढ़ा सकता हूँ, दोनों तरफ हम उसको जितना मर्जी हम बढ़ा सकते हैं, ये कह रहा है। नंबर तीन में क्या कह रहा है, अ सर्कल कैन बी ड्रान विद एनी सेंटर एंड एनी रेडियस। तो बताओ आप सर्कल ड्रा कर सकते हैं या नहीं कर सकते, किसी भी रेडियस या किसी भी कहीं भी सेंटर लेकर के और कोई भी रेडियस लेकर के आप सर्कल ड्रा कर सकते हैं। तो कोई भी सेंटर, कोई भी जितनी मर्जी आप रेडियस लेकर के सर्कल ड्रा कर सकते हैं। मैंने आपको पहले ही बताया था कि जो पोस्टुलेट होते हैं वो सारे के सारे केवल कौन मैथमेटिक्स के ज्योमेट्रिक पार्ट पे ही एप्लीकेबल होते हैं, और जो हमने एक्जियम्स जो बताए थे वो आप किसी भी मैथमेटिक्स के किसी भी पार्ट्स पे उनको आप अप्लाई कर सकते हो, ये केवल ज्योमेट्री वाले पोर्शन पे ही अप्लाई होंगे। तो इसलिए देखो यहाँ पे लाइन की बात करी थी, यहाँ पे भी लाइन की बात करी थी, यहाँ पे सर्कल की बात करेगा, हर जगह मतलब कर्व्स या फिगर इसी तरह की बात करेगा, ज्योमेट्री की बात करेगा। नेक्स्ट कह रहा है, ऑल राइट एंगल्स आर इक्वल टू वन अनदर। सारे के सारे राइट एंगल एक दूसरे के इक्वल होते हैं, तो कहीं भी आप राइट एंगल ड्रा करोगे, जैसे एक ये राइट एंगल है 90 डिग्री का एंगल है, इसके बाद एक मान लीजिए एक और मैंने राइट एंगल ड्रा कर दिया ये, तो ये दोनों आपस में तो इक्वल होंगे, 90 डिग्री के हैं, दोनों आपस में इक्वल होंगे। अब जो नेक्स्ट और लास्ट जो है नंबर पाँच, उसमें क्या करा है, इफ़ अ स्ट्रेट लाइन फॉलिंग ऑन टू स्ट्रेट लाइन। एक स्ट्रेट लाइन है, दो स्ट्रेट लाइन पे फॉल कर रही है, एक स्ट्रेट लाइन दो स्ट्रेट लाइन पे फॉल कर रही है, मेक्स द इंटीरियर एंगल्स, इंटीरियर एंगल्स को क्या कर रही है, मेक्स द इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ इट टेकन टूगेदर लेस देन टू राइट एंगल। जो इंटीरियर एंगल हैं उनको एक साथ लेते हैं और वो दोनों का सम क्या है, लेस देन टू राइट एंगल। टू राइट एंगल का मतलब हो गया 90 प्लस 90 180, उनका सम लेस देन 180 आता है, एक ही साइड के इंटीरियर एंगल का सम अगर 180 से कम आता है, देन द टू स्ट्रेट लाइंस, जब वो तब वो दोनों स्ट्रेट लाइन इफ प्रोड्यूस्ड इनडेफिनेटली अगर उनको बढ़ाया जाता है तो मीट ऑन दैट साइड ऑन विच द एंगल्स आर लेस देन टू राइट एंगल्स। किस साइड वो मीट करेंगी, जिस साइड उनका सम दो राइट एंगल से कम होगा, यानी कि 180 डिग्री से कम होगा। तो अब इसको हम प्रैक्टिकली समझते हैं, कोई बात नहीं, ये इस तरीके से आप इसको देखिए, दो लाइनें हैं, ये दो लाइनें इस तरीके से हैं और उनके ऊपर एक लाइन फॉल कर रही है, ये एक लाइन ये फॉल कर रही है। तो ये कह रहा है कि जब ये लाइन फॉल करेगी तो इंटीरियर एंगल्स के पार्ट पेयर बनेंगे, जैसे कि आपका ये इंटीरियर एंगल और ये इंटीरियर एंगल, उसके बाद एक उधर वाला हो गया इंटीरियर एंगल्स। कह रहा है कि जिन इंटीरियर एंगल्स का सम 180 डिग्री से कम है। अब बताओ, आप बताओ कि किन इंटीरियर एंगल का, देखो उधर उधर वाले हम देखते हैं ये दोनों एंगल्स, क्योंकि ये लाइनें देखो किस तरीके से जा रही हैं, ये लाइन जो है उधर वाली लाइन ऐसे जा रही है इस तरीके से समझिए इसको, और ये वाली लाइन ऐसे जा रही है, ठीक है। तो ये जो एंगल हैं उधर वाले जो एंगल हैं इनका सम हम अगर हम देखेंगे तो इन दोनों का जोड़ 180 से ज़्यादा होगा, और जो इधर के इंटीरियर एंगल हैं इनका सम 180 से क्या होगा, कम। 180 से कम या ज़्यादा कैसे चेक करते हैं हम, एक 90 डिग्री आप देखोगे, ये वाला एंगल जो है, ये वाला एंगल किस तरीके से है, ये ऐसे है ये वाला, तो ये तो 90 से कम है ना, 90 डिग्री का तो बिल्कुल स्ट्रेट होगा, तो 90 से कम है। ऐसे ही इधर भी देख रहे हैं, ये भी आपका 90 से, क्योंकि ये बिल्कुल स्ट्रेट नहीं है, ऊपर की तरफ जा रहा है, तो ये भी 90 से कम, यानी दोनों का सम क्या होगा, 180 से कम होगा। 180 से कम जिस तरफ है सम, उधर क्या होगा, 180 से ज़्यादा होगा। जब एक तरफ 180 से कम है सम तो दूसरी तरफ क्या होगा, 180 से ज़्यादा होगा। तो जिस ये कह रहा है कि जिस तरफ सम जो है 180 से कम है उस तरफ वो लाइनें
इनडेफिनेटली उनको प्रोड्यूस करेंगे, बढ़ाएंगे दोनों लाइनों को, तो दोनों लाइनें मीट कर जाएंगी। यानी कि जब मैं इस लाइन को इस तरफ बढ़ाता हूँ और इसको भी इस तरफ बढ़ाता हूँ, तो दोनों कहीं ना कहीं मिल जाएंगी, मीट कर जाएंगी। उस तरफ बढ़ाएंगे तो एक ऊपर को जा रही है, एक नीचे को जा रही है, कहीं पर भी मीट नहीं करेंगी। इसका मतलब क्या था कि जिस तरफ सम इंटीरियर एंगल का 180 डिग्री से कम है, उस तरफ दोनों लाइनों को प्रोड्यूस करेंगे इनडेफिनेटली, तो वो दोनों लाइनें कहीं ना कहीं जा करके मीट कर जाएंगी, और जिस तरफ सम 180 से ज़्यादा है उस तरफ मीट नहीं करेंगी। तो ये एक्सरसाइज का हमने इंट्रोडक्शन दिया है आपको, चैप्टर का इंट्रोडक्शन दिया है। अब एक्सरसाइज आप ट्राई करके देखिए, नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको छोटी छोटी एक्सरसाइज हैं, इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है, वो मैं आपको करवाऊंगा। इसमें सिंपल सी एक्जियम्स और पॉस्टुलेट हैं जो कि यूनिवर्सल ट्रूथ हैं, प्रूव नहीं करी गई, यूनिवर्सल ट्रूथ हैं। जैसे आपको पता है कि सूर्य जो है किधर उगता है, पता है सभी को, तो उसी तरफ उगेगा, यूनिवर्सल ट्रूथ है। इसी प्रकार से ये भी यूनिवर्सल ट्रूथ हैं, इनको आपने प्रूव करने की ज़रूरत नहीं है, ये यूनिवर्सल ट्रूथ है। ये एक्जियम्स और पॉस्टुलेट जो हैं यूनिवर्सल ट्रूथ हैं, तो बस आपने इनको समझना है, और ये सारी चीज़ें आपको आती हैं। बस ये आज मैंने थोड़ा सा बता दिया इसका इंट्रोडक्शन आपको, नेक्स्ट वीडियो में हम एक्सरसाइज करेंगे। आप ट्राई करके देखिए एक्सरसाइज को, फिर नेक्स्ट वीडियो में हम एक्सरसाइज को करते हैं। तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू।